अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि सुबह जब हम लोग ब्रश करने बाथरूम में जाते हैं तो अक्सर नींद में होते हैं और हम बिना कुछ देखें आंखें बंद करे करे, अक्सर बच्चे के अंदर भी आदत होती है, आंखें बंद करके और ब्रश करना शुरू कर देते हैं। आज सुबह जब मैं अपने बाथरूम में गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर मेरे ब्रश में ये सांप का छोटा सा बच्चा इस तरीके से फंसा हुआ था। अगर मैं बग़ैर देखे उसको यूज़ कर लेती, इस पर पेस्ट लगाकर मुंह में डालती तो शायद ही सांप का बच्चा सीधा मेरे मुंह में होता। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप अपने बच्चों को ये चीज़ दिखाएं कि सांप किस तरीके से बल मारकर इस तरह ब्रश में बैठ सकता है, और अगर आप उसे धोए बग़ैर सोप में भी हो सकता है, सोप में या ब्रश में अगर आप बिना चेक करें उसको आप ब्रश करना शुरू कर देंगे तो उसके अंदर कोई भी कीड़ा वगैरह छुपकर आपके मुंह में जा सकता है। इस तरीके से बैठा हुआ है ये कि ये निकल नहीं पा रहा है, फंस गया है इसके अंदर। देखिए आप लोग, ये इसके अंदर से निकल भी नहीं पा रहा है और ये ज़िंदा है। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा सांप का छोटा सा बच्चा है जो कि इसके अंदर फंस चुका है। ये देखिए, और ये जिंदा है अभी भी, ये अभी भी जिंदा है। ये देखिए, ये देखिए, तो इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखें आप लोग, और प्लीज़ प्लीज़ इसे अपने बच्चों को दिखाइए ताकि किसी के लिए आगे ये सबक हो और किसी के साथ ये हादसा ना हो।